90% विकलांग होने के कारण नहीं बन रहा आधार कार्ड, नगर पालिका ने बंद कर दी पेंशन। खबर फिजिकल से आ रही है, जहां पर रहने वाली सीमा माहौर ने आज कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरा लड़का जितेंद्र माहौर 90% विकलांग है, उसका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण नगर पालिका ने उसकी पेंशन बंद कर दी। जब भी वो आधार कार्ड बनवाने जाती है तो आधार कार्ड सेंटर पर उसके बच्चे की स्थिति देखकर बोला जाता है कि इसकी उंगलियां नहीं आएंगी, इसलिए आधार कार्ड नहीं बनेगा। 2 माह से नगर पालिका के द्वारा उसकी पेंशन बंद कर दी गई कि आधार कार्ड लेकर आओ बच्चे की पेंसिल के लिए, मतलब चालू नहीं हो रही है, बंद हो गई है उसकी पेंसिल आधार कार्ड के चक्कर में। उसका आधार कार्ड बनता नहीं है, उसकी उंगलियाँ नहीं आती हैं। अब वो सब मना कर देते हैं आधार कार्ड वाले कि इसका नहीं बनेगा। उंगली क्यों नहीं आती उसकी? उंगलियों में हाँ विकलांग है, 90% का है वो। उसको देखते ही मना कर देते हैं सब। पहले उसको बिना उसके मिल रही थी। कितने साल? अब ये दो महीने से बंद हो गई। पहले 8 साल से बनवाई थी उसके, कम से कम 8-10-11 साल तो हो गई होंगी तब से चालू थी। ये अभी सितंबर महीने से बंद हो गई है उसकी पेंसिल। आधार कार्ड उसका बन नहीं रहा है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आधार कार्ड लेके आओ। वो फिंगर की वजह से नहीं वो नहीं बन पा रही।